नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ रिया साहू। राजनांदगांव जिले खैरागढ़ के दिवंगत विधायक स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की मौत के बाद राज परिवार के बीच चल रहा विवाद खुलकर सामने आ रहा है। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक की मौत के बाद कल उनकी पहली पत्नी के बच्चों ने विधायक की दूसरी पत्नी विभा सिंह पर दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया, तो वहीं आज स्वर्गीय विधायक की दूसरी पत्नी विभा सिंह ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता लेकर देवव्रत सिंह की मृत्यु को रहस्यमय बताते हुए हत्या किए जाने का आरोप लगाया और अपनी जान का खतरा भी बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की। खैरागढ़ की विधायक स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद अब पारिवारिक संपत्ति विवाद गहराता जा रहा है। बीते दिनों सोशल मीडिया में फोन रिकॉर्डिंग स्वर्गीय विधायक और दूसरी पत्नी विभा सिंह की वायरल हुई थी, जिसमें स्वर्गीय विधायक और विभा सिंह के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद सामने आया था। साथ ही मृत्यु से कुछ महीने पूर्व विधायक देवव्रत सिंह ने पारिवारिक गहने दूसरी पत्नी विभा सिंह द्वारा ले जाने की शिकायत छुई खदान थाने में दर्ज कराई थी। वही पूरे मामले में कल स्वर्गीय विधायक देवव्रत सिंह की पहली पत्नी के बच्चे शताक्षी सिंह और आर्यव्रत सिंह ने राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता लेकर अपने पिता की दूसरी पत्नी विभा सिंह पर दुर्व्यवहार और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। बच्चों ने मुझ पे आरोप लगाया है कि मेरे से जान का खतरा है। वो मैंने खुद पुलिस प्रोटेक्शन पिछले 2 महीने से ले रखा है और वहाँ पे पुलिस प्रशासन है बच्चों की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए मैंने खुद लिया है, तो इसमें मैं कोई ये इतना ही जवाब है मेरा। क्या मांग करना चाहते हैं? देवव्रत सिंह जी की जो मौत हुई है उसको लेकर के भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना है आप? रहस्यमय ही मौत है उनकी मौत नेचुरल नहीं है। और हर आदमी बोलता है मुझसे, जितने भी फ़ोन आए मेरे पास, जितने भी लोगों ने, हर किसी ने कहा है। और इस तरीके से उनके मरने के बाद इतना सब कुछ हो जाना, महल के अंदर चीज़ें छीनना, झपटना और ताला बंद कर लेना, मुझे बाहर कर देना, अब मुझे निकाला जा रहा है। आज आप लोगों ने देख लिया, घर के अंदर घुस के मुझे मारने पीटने की कोशिश की जा रही है, मुझे निकाला जा रहा है, मुझसे सब कुछ छीना जा रहा है, मुझे 2 कपड़ों में रखा गया है। क्यों, ये सब क्या है? ऐसा तो नहीं करता कोई ना। आप उनकी हत्या का संदेह व्यक्त कर रहे हैं, किस पर आरोप है? अब वो पुलिस का काम है कि वो जाँच करे, इतना मुझे अभी नहीं बोल सकती हूँ। महल को सील किया गया, उसकी क्या आपको जानकारी है? किसने किया है? कब खोला जाएगा? महल को लोगों ने, महल को तो चाबी जो है वो इन्हीं लोगों के पास है, पद्मा वगैरह के पास। पिछले जब से पद्मा आ गई है, पिछले 1.5 महीने से वो सील नहीं किया गया या ज़बरदस्ती करा गया है मुझे नहीं पता है। और मुझे 1.5 महीने नहीं निकलना था तो हमने पता भी नहीं किया। आज मुझे बताया जा रहा है कि 30 को खुलने वाला है। जिसका घर है, जो लीगल अथॉरिटी है, उससे बिना बताए सील किया गया है और उसको बिना बताए खोला जा रहा है। और ये अगर होता है तो प्रशासन बिल्कुल गलत काम करेगा। 30 को अगर खोला जाता है और मेरे खिलाफ कोई वहाँ पे षड्यंत्र रचा जाता है तो ये बहुत गलत बात होगी। प्रशासन मेरे खिलाफ जाके ये कैसे कर सकता है? कोई भी प्राइवेट संपत्ति सील नहीं की जाती। ये ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं यही कहती हूँ कि ये सब गलत है, ये सब झूठी चीज़ें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ, सिरे से खारिज करती हूँ, ये सब गलत बातें हैं। ना तो राजा साहब ऐसे थे कि वो गलत काम करते, रिकॉर्डिंग करना गलत काम होता है वो करते। क्या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इस तरह के आदमी थे कि षड्यंत्रकारी थे, षड्यंत्र रचते? ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऑडियो वीडियो जो भी है सब गलत, कहाँ कहाँ से निकाल के किस किस तरीके से डबिंग करके उसको चलाया जा रहा है। जैसे क्योंकि तलाक वाली जो बात सामने आ रही है उसको लेके क्या कहें? तलाक की कोई बात नहीं थी, इस बात को मैंने पहले भी नकारा है, मैं आज भी नकार रही हूँ। और अगर आप लोगों को उस पर संदेह है तो आप कोर्ट से कोई पेपर निकलवाइए जो मेरे साइड से हो, या उन्होंने तलाक के लिए दिया हो, या जो उनकी डेथ सर्टिफिकेट है उसमें सिर्फ मैं ही तो पत्नी हूँ, तो फिर मैं क्या जवाब दूँ? अब क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? राजा साहब के मौत की या हत्या की निष्पक्ष जांच हो। हमारे को जो मारा पीटा निकाला जा रहा है, मुझे बचाया जाए। प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा मांग है
जो दो गनमैन हैं सरकारी जो मेरे पति के थे वो ही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, वो है। और पद्मा इलीगल तरीके से महल में रह रही है, वो है। पीएम के लिए आपने कोई लिखित हाँ मैंने जो चिट्ठियाँ भेजी है उसमें गृह मंत्रालय को भी भेजा है दिल्ली में और सभी को भेजा है।